भोपाल में बड़े तालाब पर देश का सबसे बड़ा एयर शो, चिनूक ने भरी उड़ान, स्लो स्पीड में होल्ड की पोजीशन, सीएम शिवराज भी पहुंचे। भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर शनिवार को भोपाल में एयर शो हो रहा है। सुबह 10 बजे से 11:30 पर एक बोट क्लब बड़ा तालाब पर यह एयर शो किसी वाटर बॉडी के ऊपर देश का सबसे बड़ा एयर शो है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर, चिनूक फाइटर जेट, तेजस, सुखोई, सूर्य किरण और समेत 65 विमान आसमान में अपना शौर्य दिखा रहे हैं। इस रोमांच का साक्षी बनने के लिए लेक व्यू वाले दोनों होटल फुल हो चुके हैं। वन विहार में एडवांस बुकिंग हुई। शहर के कुछ स्कूलों ने शनिवार को छुट्टी भी घोषित की है। शो से पहले 26 से 28 सितंबर तक रिहर्सल की गई। एयर मार्शल AK भारती ने बताया कि एयर शो की थीम पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज है। हम हर साल नए शहर में शो करते हैं, इस बार भोपाल आए। भोपाल अच्छा शहर है, वायुसेना को पसंद आया। फाइटर प्लेन्स को बर्ड्स से दिक्कत होती है। सर्वे के अनुसार यहाँ स्टैंडर्ड हाइट्स पर कम बर्ड्स मिले, यह एयर शो के लिए अच्छी बात है। सुबह 10:17 पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ एयर शो देखने पहुंचे। मनु अभाना टेकरी से 2 चिनूक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। बड़े तालाब पर आकर हवा में कुछ देर थम गए, स्लो स्पीड में एक जगह घूमे। MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स से आकाशगंगा टीम के 10 सदस्यों ने 8000 फीट की ऊंचाई से बड़े तालाब में छलांग लगाई। केवल पास वालों को ही बोट क्लब पर आने दिया जाएगा। आम लोग शीतलदास की बगिया के पास, राजा भोज सेतु और VIP रोड पर रेत घाट से कानू गांव तक खड़े होकर देख सकते हैं। वन विहार के ऐप से शनिवार के लिए 450 से ज्यादा बुकिंग की गई हैं। गेट नंबर 1 बोट क्लब तरफ से एंट्री बंद है। तब तक वन विहार आने वाले लोगों को गेट नंबर 2 से आना जाना करना होगा।